Hello, good morning dear students. How are you all? Last time we studied about the Mendeleev periodic table and we also studied that Mendeleev table is based on increasing order of atomic weight and the properties of elements repeats after a fixed interval of atomic weight. तो हम आज पढ़ेंगे achievements of Mendeleev periodic table. Mendeleev periodic table जो हमने पढ़ी है उसकी अचीवमेंट्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मेंडेलीव पीरियडिक टेबल, तो उसको हम स्टडी करेंगे. लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट इज सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स. मेंडेलीव मेड द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स इजियर. मेंडेलीव ने कंपाउंड जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज को और उनके जो कंपाउंड्स बनते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को इजी बना दिया. कैसे बना दिया? बिकॉज नोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट द प्रॉपर्टीज ऑफ द अदर एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप कैन बी प्रिडिक्टेड. किसी पार्टिकुलर ग्रुप के एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को पता करके हम उस ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बता सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स. वेन मेंडेलीव वॉज framing his predictable, then at that time some of the elements were not discovered. कुछ एलिमेंट उस टाइम पर डिस्कवर नहीं हुए थे. Then Mendeleev left some spaces or gaps for the undiscovered element. तो जिस टाइम पर वो अपनी predictable को तैयार कर रहे थे तो उस टाइम पर कुछ एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे, तो जिसकी वजह से उन एलिमेंट्स की प्रेजेंस वहां पर नहीं थी और उन एलिमेंट्स के लिए उसने वेकेंट स्पेस छोड़ दिया, गैप छोड़ दिया. बट खाली गैप ही नहीं छोड़ा, उसने साथ में उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो हैं, क्या प्रॉपर्टीज होंगी उनके कंपाउंड्स की, क्या प्रॉपर्टीज होंगी उनके बारे में पहले से ही प्रिडिक्शन कर दी, भविष्यवाणी कर दी. एंड ऑल्सो प्रोवाइडेड प्रोविजनल नेम टू दैट अनडिस्कवर्ड एलिमेंट. जो एलिमेंट उस टाइम पर डिस्कवर नहीं हुए थे उनके लिए भी अपनी तरफ से प्रोविजनल नेम दे दिए, यानी कि कच्चे नेम दे दिए. तो जैसे कि लाइक एका द्वि एंड त्रि, डिपेंडिंग अपॉन एका द्वि एंड त्रि, ये संस्कृत के वर्ड है जिसको उसने लिया. किसके लिए यूज किया? डिपेंडिंग अपॉन वेदर द प्रिडिक्टेड एलिमेंट, जिस एलिमेंट की प्रिडिक्शन की गई है, वाज वन टू और थ्री प्लेसेस डाउन द नोन एलिमेंट इन हिज प्रिडिक्टेबल. यानी कि जो एलिमेंट उस टाइम पर डिस्कवर नहीं हुए थे उनके लिए प्रिडिक्शन कर दी और उनको नाम भी दे दिए. और नाम किस बेस पर दिए? जो पहले से नोन एलिमेंट है उसके नीचे वन प्लेस जो है प्रिडिक्टेड एलिमेंट की पोजीशन है, या टू प्लेस नीचे है, या थ्री प्लेस नीचे है. इसीलिए वन प्लेस वाले के लिए एक वर्ड यूज कर लिया, टू प्लेस डाउन है तो द्वि यूज कर लिया, और थ्री प्लेस डाउन है तो त्रि यूज कर लिया. तो उस टाइम पर जो नाम दिए गए, जैसे एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन, ये दो एलिमेंट का हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, एक एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन, तो इनको नाम दिया. एका एल्यूमिनियम का मतलब है नेक्स्ट टू एलिमेंट, सॉरी नेक्स्ट टू एल्यूमिनियम. एका सिलिकॉन का मीनिंग है नेक्स्ट टू सिलिकॉन, यानी कि वन प्लेस डाउन. एल्यूमिनियम के वन प्लेस डाउन और सिलिकॉन के वन प्लेस डाउन जो एलिमेंट था वो अनडिस्कवर्ड थे, उनको पहले से नाम दे दिया, एक एल्यूमिनियम और एक सिलिकॉन, और उनकी प्रॉपर्टीज को, उनके कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को भी पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था. बट लेटर ऑन व्हेन गैलियम एंड जर्मेनियम वर डिस्कवर्ड, एक एल्यूमिनियम से, यानी कि एक एल्यूमिनियम जिसको नाम दिया था वो एल्यूमिनियम बाद में जब डिस्कवर हुआ तो वो था गैलियम, और एका सिलिकॉन जिसको नाम दिया गया था वो डिस्कवर होने के बाद कौन सा एलिमेंट था, वो जर्मेनियम. तो इन दोनों की प्रॉपर्टी जब मैच की गई तो एल्यूमिनियम के साथ किसकी मैच हो रही थी, गैलियम की, और सिलिकॉन के साथ जर्मेनियम की जो प्रॉपर्टीज मैच हो रही थी. ठीक है, इसका मतलब उसकी जो प्रेडिक्शन थी दैट वाज करेक्ट. ठीक है, सो डिस्कवर्ड जो गैलियम एंड जर्मेनियम वर डिस्कवर्ड, बोथ वर हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज एज प्रिडिक्टेड अर्लियर बाय मेंडेलीव. तो जो न्यू एलिमेंट डिस्कवर हुए बाद में गैलियम और जर्मेनियम, तो इनकी प्रॉपर्टीज पहले से प्रिडिक्टेड एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज थी उनके जैसी ही थी. थर्ड इज करेक्शन ऑफ डाउटफुल वेट्स. मेंडेलीव ने जब अपनी प्रिडिक्टेबल में ये पढ़ा कि मतलब सॉरी मेंडेलीव ने अपनी प्रिडिक्टेबल में जब ये बताया
कि एलिमेंट्स आर द पीरियडिक केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, यानी कि एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट होती है आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ एटॉमिक वेट। तो उस टाइम पर उसने देखा कि कुछ एलिमेंट्स के केस में जो प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर नहीं, क्योंकि उनके एटॉमिक वेट जो डाउटफुल थे, उनके एटॉमिक वेट में मिस्टेक्स थी। कैसे? जैसे बेरिलियम है, बेरिलियम को पहले 13.6 एटॉमिक वेट दिया गया था, बट 13.6 एटॉमिक वेट था और इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से तो ये तो कहां आना चाहिए, कार्बन 12 और नाइट्रोजन 14 के बीच में आना चाहिए, बट इसका जो 13.6 एटॉमिक वेट था इन दोनों के बीच में आ ही नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई वेकेंट स्पेस नहीं था जहां पर एलिमेंट को रखा जा सके। इसका मतलब क्या था? उसने फिर क्या किया, इसका जो एटॉमिक वेट था उसको चेक किया, उसमें क्या प्रॉब्लम है, तो एटॉमिक वेट में मिस्टेक मिली। तो गलती से बेरिलियम में वैलेंसी पहले 3 दी गई थी, क्योंकि जो एटॉमिक वेट है, एटॉमिक वेट जो था, मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे जो है 13.6 ये एटॉमिक वेट जो है, एटॉमिक वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई वैलेंसी। ठीक है, स्टार्टिंग में इक्विवेलेंट वेट इसका फिक्स होता है बेरिलियम का 4.5, स्टार्टिंग में 3 वैलेंसी वाज गिवन, पहले 3 वैलेंसी दी गई थी, तो 3, 5, 15, 1 यानी कि 13.5 ग्राम पहले दिया गया था, बट मेंडली ने फिर करेक्शन जब की तो उसने वैलेंसी जो रॉन्ग दी गई थी 3 उसको 2 कर दिया, तो 2 करने से इट वाज गिवन 9.0 ग्राम। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ 9.4। ठीक है, तो 9.2 वैलेंसी कर दी, जिससे क्या होगा तो इसका एटॉमिक वेट करेक्ट हो गया, और करेक्ट होने के बाद उसको कहाँ पर रखा गया, बिटवीन लिथियम एंड बोरोन, लिथियम और बोरोन के बीच में रखा गया, और जो वहां पर प्रॉपर्टीज को प्रॉपर जो उस प्लेस को सेटिस्फाई करना था। क्लियर है? तो मेंडलीव ने जो डाउटफुल एटॉमिक वेट थे उनको भी ठीक किया। नहीं, ये सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ एक बेरिलियम कर दिया, इसके अलावा जो गोल्ड है, प्लेटिनम है, ठीक है, इंडियम है, थैलियम है, बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनका हम जिक्र नहीं करेंगे, गोल्ड प्लेटिनम है, उनके एटॉमिक वेट भी डाउटफुल थे, इनकरेक्ट एटॉमिक वेट दिए गए थे, उनको भी ठीक किया। ठीक है, नेक्स्ट है नोबल गैसेस। नोबल गैसेज हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन नोबल गैसेज हैं। तो दीज गैसेज वर डिस्कवर्ड लेटर, बहुत बाद में जा करके डिस्कवर हुई थी, और ही प्लेस्ड दीज गैसेज इन ए सेपरेट ग्रुप। उसने क्या किया, इन गैसेज को एक अलग से ग्रुप दे दिया विदाउट डिस्टर्बिंग द प्री एग्जिस्टेड ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। पहले जो अरेंजमेंट थी, ऑर्डर था एलिमेंट्स का, उसको बिना डिस्टर्ब किए अलग से ग्रुप दे दिया, उसको जीरो ग्रुप नाम दे दिया गया। ठीक है, सो दीज आर द सम एडवांटेजेस और अचीवमेंट्स ऑफ द मेंडलीव पीरियडिक टेबल। ऑल्दो मेंडलीव टेबल हैज वेरियस एडवांटेजेस, बट इट ऑल्सो हैज सम लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स। लेट अस स्टडी सम ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियडिक टेबल। फर्स्ट इज पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। नो फिक्स पोजिशन कैन बी असाइंड टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को कोई भी फिक्स पोजिशन असाइन नहीं की जा सकती। क्यों? बिकॉज सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल्स विद एल्किली मेटल्स। कुछ प्रॉपर्टीज है हाइड्रोजन की जो एल्किली मेटल्स के साथ मेल खाती है, एंड वेयर एट सम प्रॉपर्टीज रिजेंबल्स विद हैलोजन। कुछ प्रॉपर्टीज है हाइड्रोजन की जो हैलोजन के साथ क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनके साथ मेल खाती है, एंड देयर ऑल्सो एग्जिस्ट सम अदर प्रॉपर्टीज। और कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टीज है विच डू नॉट रिजेंबल विद बोथ, जो दोनों के साथ रिजेंबल नहीं, दोनों के साथ ही मेल नहीं खाती, ना तो एल्किली मेटल्स के साथ मेल खाती, ना ही वो हैलोजन्स के साथ मेल खाती है। Hence, position of hydrogen is controversial, यानी कि विवादास्पद है, इसके ऊपर विवाद हो सकता है, क्योंकि ये फिक्स पोजिशन नहीं है। फिर भी ये जो पोजिशन हाइड्रोजन की, इसको एल्किली मेटल्स वाले ग्रुप में रखा गया है। क्यों? Even then, placement of hydrogen along with alkali metals seems to be more appropriate. Hydrogen का alkali metal के साथ रखा जाना ये कुछ हद तक ठीक प्रतीत होता है, क्योंकि it is the first element, ये पहला element है
और लोवेस्ट एटॉमिक मास का है, इसलिए कुछ हद तक ये ठीक लगता है। बट अभी भी फिक्स नहीं है वो, अभी भी इसके ऊपर कंट्रोवर्सी है। सेकंड इज पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मासेस। एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटॉमिक मास वाले जो एटम्स होते हैं उनको हम आइसोटोप्स बोलते हैं। बहुत सारे एग्जांपल है बट यहाँ पर हम दो जिक्र कर रहे हैं। एक तो हाइड्रोजन का आइसोटोप है, हाइड्रोजन के थ्री आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम 1s1, ड्यूटेरियम 1s2 एंड ट्राइटियम 1s3। ये नाइन्थ क्लास में आपने नोटेशन पढ़ी होगी का जो एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन, नीचे क्या होता है उसका एटॉमिक नंबर, ऊपर क्या होता है एटॉमिक मास, ठीक है। तो इन तीनों में प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्राइटियम में एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास डिफरेंट है, मींस इनके अंदर इलेक्ट्रॉन तो एक एक है, यानी कि फर्स्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है बट मास इनके अलग अलग है। ऐसे कार्बन के तीन आइसोटोप है C12, C13, C14। एटॉमिक नंबर सभी में 6 है, 6C12, 6C13, 6C14। बट दीज वुड नॉट बी प्लेस्ड एट सेम पोजिशन। जो एटम्स हैं सेम आइसोटोप के उनको एक ही पोजिशन पर नहीं रखा जा सकता, क्यों? ड्यू टू देयर डिफरेंट एटॉमिक मासेज। क्योंकि पीरियडिक टेबल में तो क्लासिफिकेशन इंक्रीजिंग मास के अकॉर्डिंग की गई है। अब सेम पोजिशन पर तीनों आइसोटोप को नहीं रख सकते, ऐसे तीनों कार्बन के नहीं रख सकते। बट दीज हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, परंतु इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, इनको अलग भी नहीं कर सकते। इसीलिए इसको ये जो आइसोटोप्स है उनकी पोजिशन यहाँ पर पीरियडिक टेबल में नहीं दी जा सकती थी, इसीलिए ये क्या इसकी लिमिटेशन हो जाती है। थर्ड इज अनोमलस पोजिशन ऑफ सम पेयर ऑफ एलिमेंट्स। देखो हमने ये पढ़ा शुरू से कि मेंडेली पीरियडिक टेबल इज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट बढ़ता जाता है। बट कुछ पेयर्स ऐसे दिए गए हैं जबरदस्ती जो है उनको अपनी पीरियडिक टेबल में जो पीरियडिसिटी के अंदर यानी कि इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी चेंज होती है उसमें फिक्स करने के लिए जो है रॉन्ग पेयर वहां पर लिखे गए, उनको एटॉमिक वेट जो आगे पीछे दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट है 58.93 एटॉमिक वेट है इसका, और जो निकल है उसका 58.71 है। तो पहले निकल आना चाहिए था जिसका एटॉमिक वेट कम है, बाद में ही कोबाल्ट आना चाहिए था, बट कोबाल्ट ज्यादा एटॉमिक वेट का पहले रखा गया है और कम एटॉमिक वेट का उसके बाद रखा गया, यानी एटॉमिक वेट डिक्रीज कर दिया। ऐसे ही टेलुरियम जो है जिसमें एटॉमिक वेट 127.6 है उसको पहले रखा हुआ है, और जिसमें आयोडीन में 126.9 है इसमें एटॉमिक वेट जो कम है इसको बाद में रखा गया है। नेक्स्ट लिमिटेशन इज नो रिजेम्बलेंस ऑफ एलिमेंट्स विद इन सब ग्रुप्स। जैसे कि मेंडेलिव टेबल में ये बोला गया है, मेंडेलिव ने ये कहा कि अकॉर्डिंग टू मेंडेलिव एलिमेंट्स प्लेस्ड इन ए ग्रुप हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। भाई जो एलिमेंट्स सेम ग्रुप में है उनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज है, बट देर इज नो सिमिलरिटी इन द टू सब ग्रुप्स इन ए पार्टिकुलर ग्रुप। ऊपर तो ये बोल दिया कि एक ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट्स है सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है, बट ग्रुप के अंदर जो सब ग्रुप है उनके अंदर जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर नहीं थी। देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम सीजियम ये जो फर्स्ट ग्रुप के अंदर सब ग्रुप ए में जो प्रेजेंट है उनकी प्रॉपर्टीज सब ग्रुप बी में जो प्रेजेंट है क्वाइनेज मेटल्स गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम जैसे सॉरी कॉपर सिल्वर गोल्ड इनसे कम्प्लीटली डिफरेंट थी। तो ये तो एल्कली मेटल्स है वेरी रिएक्टिव मेटल्स है और ये कॉपर सिल्वर गोल्ड ये लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स है। तो दोनों एलिमेंट्स जो कम्प्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज के हैं सेम सब ग्रुप में कैसे रख दिए। नेक्स्ट है डिफरेंट ग्रुप्स फॉर सिमिलर एलिमेंट्स। अब सिमिलर एलिमेंट जो एक जगह पर रखे जाने चाहिए थे वो अलग अलग ग्रुप में रख दिए। कैसे, जैसे कि कॉपर और मरकरी है इनकी ज्यादातर प्रॉपर्टीज सिमिलर एक दूसरे के साथ मेल खाती है, तो इनको एक सब ग्रुप में या एक ग्रुप में होना चाहिए था, बट ये जो है कॉपर तो फर्स्ट बी में है और मरकरी को सेकंड बी दिया गया है, यानी कि दो सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुप में रख दिया। इसीलिए ये जो लिमिटेशंस है इससे क्या पता चलता है कि जो मेंडेलिव की क्लासिफिकेशन थी दिस वाज नॉट करेक्ट, बाद में मेंडेलिव ने इसको मॉडिफाई किया। सो नेक्स्ट हमारे पास
मेंडली की जो लिमिटेशन थी इनको दूर किया हेनरी मोजले ने। किसने दूर किया? हेनरी मोजले। मोजले साइंटिस्ट का नाम है जिसने मॉडर्न प्रेडिक्ट टेबल को डिस्कवर किया। तो मोजले के अकॉर्डिंग क्या है, उसने ला दिया मॉडर्न प्रेडिक्ट ला, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। आपके बारे से कहा कि एटॉमिक वेट नहीं, एटॉमिक नंबर के ऊपर, एटॉमिक नंबर एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट होता है और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हो जाती है। यानी कि केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज का रिपीट होना ये इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अनुसार होता है, एटॉमिक वेट के अनुसार नहीं होते हैं। दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स रिपीट आफ्टर एन इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो देखो जैसे एटॉमिक मास को एटॉमिक नंबर से रिप्लेस किया तो बहुत सारी जो लिमिटेशन थी अपने आप दूर हो गई है। ठीक है, बहुत सारी कैसे दूर हो गई? एक तो आइसोटोप, सबसे मेन जो है आइसोटोप्स की जो प्रॉब्लम थी, एक एलिमेंट का सेम एटॉमिक नंबर था, डिफरेंट एटॉमिक मास थे, अलग अलग पोजिशन नहीं रह सकते थे, वो कमी अपने आप दूर हो गई। और दूसरा जो एटॉमिक वेट की प्रॉब्लम आ रही थी, कभी एटॉमिक वेट एक का कम होगा दूसरे का ज्यादा होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं था, वो भी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। ठीक है, तो जो एटॉमिक नंबर जब एटॉमिक मास की जगह पे आ गया तो मॉडर्न प्रेडिक्ट टेबल जो हमारी है इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, नॉट ऑन द एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास। मॉडर्न पीरियडिक टेबल में हमारे पास 7 जो है वो पीरियड्स है, यानी कि हॉरिजॉन्टल रोज 7 है और वर्टिकल कॉलम जो है वो ग्रुप्स बोलते हैं उनको, 18 प्रेजेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स दिस इज इनफ फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।